स्वागत है दोस्तों आपका तारा मधु की रसोई से। आज मैं आपको केक डेकोरेशन में इस्तेमाल होने वाले फ्लावर्स को बनाना सिखाऊंगी। इन फ्लावर्स को मैंने मैदे और बटर की व्हिप्ड क्रीम से बनाया है, जिसको मैंने अपने एक पिछले वीडियो में बताया भी है। आप चाहें तो वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इन फ्लावर्स को बनाने में दोस्तों मैंने जो नोजल्स को यूज़ किया है उनका पिक भी मैंने इस वीडियो के एंड में डाला हुआ है, आप चाहें तो वहाँ भी देख सकते हैं साइज और लेंथ के साथ। दोस्तों इन फ्लावर्स को बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस कुछ टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो कीजिए जिसे मैंने वीडियो के दौरान समय समय पर बताई है। इन सब को फॉलो करके आई एम श्योर आप जरूर सुंदर सुंदर फ्लावर्स बना लेंगे। वीडियो को देखकर आप जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और चलिए अब हम शुरू करते हैं इन फ्लावर्स को बनाना। दोस्तों इन फ्लावर्स को बनाने में जो सबसे ज़रूरी सामान है वो है फ्लावर नेल। ये देखिए, ये फ्लावर नेल मैंने खुद ही बनाए हैं और एक वीडियो में सिखाया भी है मैंने। दूसरा सामान हमें चाहिए सीज़र, एक स्पून चाहिए, और अभी मैं इन फ्लावर्स को एक प्लेट में रख रही हूँ, आप चाहें तो डायरेक्ट केक पे भी रख सकते हैं। और दूसरा सामान चाहिए हमें एक पाइपिंग बैग, मैंने इसमें पिंक क्रीम भरा हुआ है और रोज़ नोजल लगाया हुआ है। इसमें दो एंड्स होते हैं, एक पतला एंड और एक मोटा एंड। तो मोटा एंड हमें फ्लावर नेल की तरफ रखना है और पतला एंड को ऊपर की तरफ रखना है। ध्यान से, मोटा एंड फ्लावर नेल की तरफ और पतला एंड ऊपर की तरफ। चलिए शुरू करते हैं। बीच में हम थोड़ा सा बेस बनाएंगे, पहले सिर्फ गोल गोल घुमाकर हमें थोड़ा सा बेस बनाना है ताकि हम उसके ऊपर फ्लावर बना सकें। और बस पत्तियां बनानी है थोड़ी सी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज नेल को घुमाकर। वीडियो में दिखाए अनुसार बिल्कुल ऐसे ही फॉलो कीजिए। आपको जितना बड़ा फ्लावर बनाना है उतना बड़ा फ्लावर बनाइए और बस आपको सिर्फ फ्लावर को उल्टा यू बनाना है। जैसे इंग्लिश अल्फाबेट यू होता है ना, उसको उल्टा करेंगे तो उल्टा यू बनेगा, जस्ट वैसे ही बनाकर करना है। अब हम इसे सीजर की हेल्प से उठा लेंगे और एक स्पून से थोड़ा सा पुश करके इसको प्लेट पर प्लेस कर देंगे। आप चाहें तो डायरेक्ट केक पे भी रख सकते हैं। चलिए एक बार और बनाते हैं। ये देखिए, बिल्कुल गोल गोल हमें घुमाना है और बस उल्टा यू बनाना है, हमें उल्टा यू बनाना है। आप जितना उल्टा यू बनाएंगे आपके पेटल्स उतने ही क्लियर और नीट नजर आएंगे। सीजर से मैंने उठाया और इसे प्लेट पर धीरे से प्लेस कर दिया। अब हम इसी नोजल से एक दूसरे तरीके का फ्लावर बनाएंगे। ये हो गया हमारा रोज फ्लावर। अब हम गुड़हल का फूल होता है ना दोस्तों, जैसे कि हिबिस्कस फ्लावर, उस तरीके का कुछ फ्लावर बनाएंगे। ये देखिए, वीडियो में दिखाए अनुसार बिल्कुल ऐसे ही बनाइए। ये 4 से 5 पत्तियों का होता है, इसको भी सीजर की मदद से उठाइए और धीरे से अपनी प्लेट पर प्लेस कर दीजिए। एक बार फिर से सीखेंगे, बस पहले बेस बनाइए और पेटल्स को ऊपर ले जाइए और वापस वहीं पर लाके मिला दीजिए और लीजिए आपका फ्लावर तैयार है। इसको धीरे से सीजर से उठाइए और अपनी प्लेट पर प्लेस कर दीजिए। अब मैं इसी नोजल से आपको एक दूसरा फ्लावर बनाना सिखाऊंगी। पहले बेस बनाया और बस जस्ट हमारे फ्लावर के नोजल को गोल गोल घुमाना है नीचे की तरफ। वीडियो में दिखाए अनुसार आप ऐसे ही करेंगे तो आपका बहुत सुंदर फ्लावर निकल के आएगा। ये देखिए, और बस सीजर से उठाइए और प्लेट में प्लेस कर दीजिए। एक बार फिर से मैं आपको दिखाती हूँ। बीच बीच में से दोस्तों इसकी हवा निकालते रहिए पाइपिंग बैग की, अदरवाइज वो आपको परेशान करेगी। बेस बनाइए और बस सर्कल की तरह गोल गोल घुमाते हुए नीचे की तरफ आते जाइए और लीजिए आपका फ्लावर तैयार है। इसको भी मैं प्लेस कर देती हूँ प्लेट पर। तो ये तो हो गए हमारे रोज नोजल से बनाए हुए फ्लावर। अब हम एक दूसरे नोजल से बनाए हुए फ्लावर को बनाएंगे। ये एक दूसरे टाइप का नोजल है, ये हमारा दूसरे टाइप का नोजल है। अब हम दूसरी तरीके के फ्लावर बनाएंगे। शुरुआत में वैसे ही बीच में बेस बनाएंगे जिस पर हम फ्लावर बनाएंगे और पत्तियों को नीचे से ऊपर की तरफ खींचते हुए छोड़ देंगे। ज़्यादा ऊपर नहीं लाएंगे, अदरवाइज पत्ती आपकी लुढ़क जाएंगी। बस बराबर से पेटल्स बनाइए और आपका फ्लावर तैयार है। सीजर से उसे उठाइए और प्लेट पर रख दीजिए। एक और फ्लावर बनाएंगे दोस्तों हम, गुड़हल जैसा ही। बीच में बेस बनाएंगे
और जैसे हमने गुलाबी फ्लावर बनाए थे गुड़हल के, वैसे ही इसमें भी वैसे ही बनाएंगे। वो फ्लावर उस नोज़ल से भी बन जाते हैं और इस नोज़ल से भी बन जाते हैं। इसको भी सीज़र से उठाएंगे और प्लेट पर प्लेस कर देंगे। अभी मैं आपको इसी नोज़ल से एक दूसरे तरीके का कमल का फूल बनाना सिखाती हूँ। इसमें मैंने बेस कुछ ऐसा रखा है तिकोना जैसा, और बस इसके ऊपर चिपका कर ये पत्तियाँ कमल के फूल के आकार की तरह लगाएंगे, नीचे से चिपकाएंगे और ऊपर लाकर छोड़ देंगे और इसको भर देंगे जैसे कि कमल का फूल दिखता है। 2 से 3 लाइन लगाएंगे और हमारा फ्लावर तैयार हो जाएगा। और ध्यान से इसको कैंची की मदद से उठाएंगे और अपनी प्लेट पर या केक पर प्लेस कर देंगे। इसी नोजल से हमारा एक ट्यूलिप टाइप फ्लावर भी बनता है, वो भी बस ऐसे ही नीचे से लगाएंगे और ऊपर छोड़ देंगे और बस आपका कुछ ही सेकंडों में फ्लावर रेडी हो जाएगा। आप जितना बड़ा चाहते हैं उतना फ्लावर बड़ा बनाइए, छोटा चाहते हैं छोटा बनाइए। तो लीजिए फ्रेंड्स, आपके फ्लावर्स बनकर तैयार हैं। अब मन चाहे आकार में, मन चाहे तरीके से आप जैसे चाहते हैं अपने फ्लावर्स को केक पर सजा सकते हैं। फ्रेंड्स, जो मैंने ये नोजल्स यूज़ किए हैं उनका लेंथ और साइज़ मैं आपको इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ, आप उन्हें ध्यान से देख लीजिए और उसी तरीके से परचेज कीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर फ्लावर्स बनाने में कोई दिक्कत या परेशानी आती है ज़रूर शेयर कीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। फ्लावर ज़रूर बनाइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।